नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोमित्रम में आपका स्वागत है। आज मैं अनंत चतुर्दशी के विषय में कुछ जानकारी दे रही हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन के सामने यह कहा था, अनंत इत्यर्थम पार्थ मम रूप विबोधाय यो अयम कालो यथाख्यातम सो अनंत इति विश्रुतः, अर्थात चर अचर जड़ और निर्जीव सभी तरह की वस्तुएं इस संसार में ऐसी हैं जिनका हमेशा अंत होता ही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका अंत ना हो। केवल ईश्वर ही ऐसा है जिसका अंत नहीं होता और वह दृष्ट नहीं है। इस पूजन को करने के लिए हमारे यहाँ हिंदू समाज में एक सूत्र में कच्चा सूत्र तथा या रेशम का सूत्र लेके 14 गांठें लगाई जाती हैं और उसका पूजन किया जाता है। इस व्रत के विषय में एक कथा प्रचलित है। सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी दीक्षा नाम की बड़ी सुगर्हनी पत्नी थी तथा शीला नाम की पुत्री थी। लेकिन कुछ ही समय में दीक्षा स्वर्ग सिधार गई और सुमंत ने दूसरी कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। शीला धीरे धीरे विवाह योग्य हुई। सुमंत ने कौंडिल्य नाम के ब्राह्मण से शीला का विवाह किया तथा विवाह में काफ़ी धन संपत्ति दी। उस धन को इन्होंने संदूक में भर के दिया, लेकिन सुमंत की दूसरी पत्नी ने उस धन को चुपचाप निकाल लिया और उसमें कंकड़ पत्थर भर दिए। शीला की विदाई हुई। ये लोग जब अपने घर जा रहे थे तब इन्होंने यमुना तट पर विश्राम लिया। जब उन्होंने विश्राम लिया तब यमुना किनारे कुछ समूह में पूजन करते हुए लोगों को देखा। तब ये उत्सुकता पूर्वक वहाँ गईं और उन्होंने भी इस पूजा का विधान पूछा। उन महिलाओं के द्वारा बताए हुए व्रत को इन्होंने भी वहाँ किया तथा विधि विधान से एक सूत्र में 14 गठाने लगाकर उसका पूजन किया। पूजन के पश्चात उस सूत्र को अपने हाथ में बांध लिया। शीला और कौंडिन्य जब घर आए तब कौंडिन्य के घर में शीला के आने के पश्चात अत्यधिक समृद्धि छा गई। इसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उनके घर में सारी सुख सुविधाएं आने लगी। एक दिन कौंडिन्य ने उस संदूक को खोला तब उसमें कंकड़ पत्थर देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया और वह शीला के पास आया तथा उसका हाथ में बना हुआ सूत्र तोड़कर फेंक दिया। कौंडिन्य ने समझा कि यह जादू टोना करने के लिए, मुझे वश में करने के लिए कुछ धागा बांधे हुए है। शीला बड़े दुखी हुई और उसने दुखी मन से उस टूटे हुए धागे को उठाया, दूध शुद्ध जल से उसका पुनः पूजन किया तथा फिर से हाथ में बांध लिया। धीरे धीरे कौंडिन्य के घर में उसका धन छीन होने लगा तथा उसका व्यापार भी नहीं चल रहा था। उसे दुखों का सामना करना पड़ा। तब शीला ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने अनंत भगवान का अपमान किया है, आप उनका पूजन करिए। तब उनके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी का वचन मानकर इस पूजन को किया। तब किया, अनंत भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया। अनंत भगवान ने कौंडिन्य से कहा, आपकी पत्नी बहुत सुशील है, इसलिए मैंने आपको दर्शन दिए। इस तरह यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के विषय में एक पुराणों में और कथा प्रचलित है। जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तब सुमेरु को मथानी बनाया था तथा अनंत शेषनाग को रस्सी के रूप में माना था और उसका उपयोग किया था। इसी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई यह अनंत चतुर्दशी मानी गई है।
शेष नाग को रस्सी के रूप में मानकर एक धागे में 14 गठाने लगाकर उनको अनंत स्वरूप मान के उसका पूजन किया जाता है तथा पूजन के पश्चात हाथ में उसे बांधा जाता है। स्त्रियां हाथ में बांधती हैं, पुरुष वर्ग उसको भुजाओं में बांधते हैं तथा बच्चों को गले में बांधा जाता है ताकि जिससे उनकी रक्षा हो सके। नमस्कार मित्रों, हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।